दिल्ली के एक कोर्ट ने सुल्ली डील्स ऐप के क्रिएटर ओंकारेश्वर ठाकुर और बुल्ली बाई मामले में आरोपी नीरज बिश्नोई को जमानत दे दी है। मुख्य महानगर दंडाधिकारी डॉक्टर पंकज शर्मा ने जमानत देने के पीछे के कारणों में आरोपियों के पहली बार अपराध में शामिल होने की बात कही है। ANI की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने यह भी कहा है कि लगातार जेल में रहने से उनके कल्याण पर गलत असर पड़ेगा। आपको बता दें कि ओंकारेश्वर ठाकुर को सह आरोपी नीरज बिश्नोई के खुलासे के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस उपायुक्त KPS मेहलोत्रा ने कहा है कि आरोपी व्यक्तियों जमानत देने का प्राथमिक कारण यह था कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के नतीजे अभी तक नहीं आए हैं। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर सख्त शर्तें लगाई हैं ताकि वे किसी गवाह को धमका न सके और किसी भी सबूत को खराब ना कर सके। शर्तों में यह भी शामिल है कि आरोपी किसी भी पीड़ित से संपर्क करके उन्हें प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा। उन्हें यह भी कहा गया है कि वे अपने मोबाइल फोन को हर समय चालू रखें और जांच अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर अपना लोकेशन देंगे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि दोनों आरोपी व्यक्तियों को देश छोड़ने की अनुमति नहीं है और जब भी कोर्ट उन्हें आदेश देगी तो उन्हें होना होगा। Hi, this is Aftab Shirdasani. Keep watching Expose India.